नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन से कोटेशन आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि अपने मोबाइल फ़ोन से कोटेशन कैसे बनाना है तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि अपने मोबाइल फ़ोन से एक सही तरीके से आप कोटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ गया, और होम स्क्रीन पर आने के बाद अब मैं व्यापार एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और आपको कोटेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल फ़ोन में व्यापार एप्लीकेशन ओपन किया। ओपन करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, कोटेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके कोटेशन में आपका अकाउंट और IFSC और आपका नाम शो हो, तो सबसे पहले आपको मेनू पे जाना है, और मेनू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना बैंक डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना बैंक डिटेल फिल किया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट पार्टी के लिए यानी कस्टमर के लिए कोटेशन बनाएंगे तो उस कोटेशन पे एक कॉर्नर पे नीचे आपका अकाउंट नंबर, नाम और बैंक का नाम, IFSC कोड शो करेगा, ठीक है। अब बैंक आते हैं, बैंक आने के बाद कोटेशन बनाने के लिए सिंपली आपको करना कि @TXN पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप @TXN पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एस्टिमेट एंड कोटेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर शो हो जाएगा, डेट शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कोटेशन पे टाइम शो हो कि आप किस टाइम पे कोटेशन क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करने हैं। और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जिनको आप कोटेशन बनाते समय एनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको PO डिटेल ऑफ कस्टमर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाली पार्टी ने आपको PO दिया है और उसके बिहाव पर आप कोटेशन बनना चाहते हैं और उस कोटेशन में उसके PO की डिटेल फिल करना चाहते हैं, तो इसको एनेबल कर देंगे। और भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनको आप एनेबल कर सकते हैं अपने कोटेशन के लिए। अब बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद यहाँ पे हम कस्टमर नाम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम वो आइटम डालेंगे जो भी आइटम के लिए हम कस्टमर के लिए कोटेशन रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और जैसे कि मैंने ब्रेड सेलेक्ट कर लिया। ब्रेड सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ़ क्वान्टिटी सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने 10 की क्वान्टिटी ले लिया और सेव पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट आइटम लेता हूँ, जो ऐड आइटम पे क्लिक किया। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने पेन सेलेक्ट किया, और पेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ले लिया, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे दो आइटम अपने कस्टमर के लिए कोटेशन में ले लिया। अगर और भी आइटम आप कोटेशन में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आइटम पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आएँगे स्टेट ऑफ सप्लाई, कि आपका जो कस्टमर है ये किस स्टेट में है, किस स्टेट के लिए आप कोटेशन इसके लिए रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिहार सेलेक्ट कर लिया। और इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आप कुछ कोटेशन में डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अगर कोई इमेज अटैच करना चाहते हैं तो प्लस पर क्लिक करके आप फोटो कैप्चर करके उसको अटैच कर सकते हैं, या फिर गैलरी में जाके अटैच कर सकते हैं। इतना करने के बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देने हैं, और सेव पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सिंपली आपका कोटेशन यहाँ पर रेडी हो गया। अगर आपको यहाँ पे टैम्पलेट कोटेशन का चेंज करना है तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करते जाना है, और आपके सामने यहाँ पे तरह तरह का कोटेशन का टैम्पलेट आता जाएगा। और जो भी आपको कोटेशन का टैम्पलेट सही लगे सिंपली आप उसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला कोटेशन का टैम्पलेट ले लिया। लेने के बाद सिंपली अब सेव पर क्लिक करता हूँ। जब आपका कोटेशन व्यापार ऐप में रेडी हो जाता है तो आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे सेव एंड क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर सकते हैं, या फिर शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां पे शेयर एज इमेज के रूप में किसी को शेयर कर सकते हैं, और यहां पे सेव एज PDF का ऑप्शन है। आप यहां पे क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। और यहां पे आप WhatsApp, SMS या फिर किसी भी ऑप्शन के जरिए जो यहां पे शो हो रहा है आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने पार्टी के लिए कोटेशन किस प्रकार से व्यापार ऐप से रेडी करके सेंड कर सकते हैं।